मुश्किल में फंसा पूरा परिवार, राजवीर के पापा को लगी गोली। सीरियल अजूनी में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर राजवीर के पापा के गायब होने के वजह से पूरा परिवार मुश्किल में फंस गया है। जहां पर परिवार के सभी लोग राजवीर के पापा का पता लगाते हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता है। वहीं इस टेंशन की वजह से बेबे अजूनी को सुनाती है काफी खरी खोटी। तो चलिए जानते हैं ये सीन को लेकर अजूनी ने हमसे क्या बातचीत की है। वेल अजूनी, आज हम देख रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं राजवीर को ढूंढते हुए घर पर ये पता चल रहा है पापा जी भी लापता है, क्या कहोगे? अजूनी और मम्मी जी का प्लान था कि पापा जी और राजवीर के बीच मिलना चाहिए, बात करने तो वही वो प्लान बनाते हैं और राजवीर को अजूनी फ़ोन करने का ट्राई कर रही है जानने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बट फोन ही नहीं लग रहा है उसका, फोन नहीं उठा रहा है। और यहाँ पे मम्मी पापा भी आती है क्योंकि वो टेंशन में है बहुत, और अभी मम्मी की भी बहुत ज़्यादा टेंशन में, घर में सब लोग टेंशन में क्योंकि बहुत देर हो गई और पापा जी मिल नहीं रहे। तो बस वही फिर एकदम से अचानक से एक कॉल आता है जिसमें कहते हैं कि पापा जी को गोली मार दी है, किसने मारी, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। बस अभी सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक में है कि क्या होगा, मतलब आगे पापा जी ठीक होंगे नहीं होंगे। सर हम देखे घर का माहौल भी काफ़ी बिगड़ चुका है, बेबो भी कहीं ना कहीं आपसे ही आवाज़ उठा रही है, उसको क्या कहोगे, किस तरीके से सब सही होने वाला है? अजूनी हमेशा राजवीर को धमका रही है, घर में अभी और भी ऐसे लोग हैं जो उनके साथ मिलकर अजूनी ये सब कर रही होंगी, अमृत बेबे और तेजेंद्र पापा जी, जिन पर इन लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन उनका इसका कोई लेना देना नहीं है ऐसा अजूनी को लगता है, क्या पता उनका लेना देना हो। बट देखते हैं कि आगे बेबे जी तो भाई हमेशा की तरह चिल्ला रही है अजूनी, सारा गुस्सा आता निकाल दिया अजूनी। वहाँ के
तू यहाँ क्यों आई है? क्रश मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है, वो यहाँ से बंदूक भी लेकर गया, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। इसकी वजह से हो रहा है, यहाँ थी तब भी यही सब चल रहा था। हजार कोशिशें की राजवीर को हमसे अलग करने की, वहां गई है वहां भी वही कर रही है, और ऊपर से वहां पे दो दो और शैतान मिल गए इसके साथ। यही चल रहा था, हजार कोशिशें की राजवीर को अलग करने की, वहां गई वहां भी वही कर रही है, ऊपर से वहां पे दो दो और शैतान मिल गए इसको। नहीं बेटी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? उन लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये सारा फैक्ट तो अम्मी जी और मेरा। काम से हरमन क्या बोल रही है ये? बेबे मैंने जो कुछ भी किया इनको राजवीर, बेबे मैंने जो कुछ भी किया है वो इनके और राजवीर के बीच समझौता कराने के लिए किया है, बस और कुछ नहीं। अरे हरमन तेरे मन में पाप नहीं है, लेकिन इसका मन तो पूरा का पूरा काला है। मुझे लगता है हमें वहां जाके एक बार चेक करना चाहिए। हाँ, चले कोई जरूरत नहीं, खड़ी है यहाँ से कट जाएगी तो सिर्फ तू जाएगी, चल निकल यहाँ से। आप एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए ना। मैंने कहा ना निकल यहाँ से। फोन आ रहा है, अब्बा जी की खबर हो सकती है, है? आकर तार बोल। अरे क्या टॉली डर है बोलो, थैंक यू बोला क्या बैक लोकेशन सदा टॉली सदा राजूनी और तुम एक आवाज वापस आती है थैंक यू। सच बोल रहा है तू टॉली? दा 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 वही हुआ जो हम सोच रहे थे। क्या क्या हुआ शैंकी, बोल बताना क्या हुआ? पापा जी को गोली मार दी किसी ने। टॉली आगे की खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।